कभी अम्मी के साथ चाय पकौड़े बेचे तो कभी रद्दी की दुकान में जाकर पढ़ाई की, लेकिन अपने अफसर बनने के सपने को कभी टूटने नहीं दिया। आज कहानी है उस जिद और जुनून की जिसने एक चाय पकौड़े बेचने वाले को आईपीएस अफसर बना दिया। ये कहानी है आईपीएस अफसर अल्ताफ शेख की। महाराष्ट्र के एक गरीब परिवार में जन्मे अल्ताफ के पिता साइकिल और बाइक रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान चलाते थे और अम्मी चाय पकौड़े बेचा करती थी। अल्ताफ भी इसमें उनकी पूरी मदद करते, फिर भी पूरे परिवार को चलाने के लिए पैसे कभी काफी नहीं होते, लेकिन अल्ताफ के सपनों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में काम किया करते और रात में पढ़ाई, किताबें खरीद नहीं पाए तो रद्दी की दुकान में जाकर पढ़ने लगे। ऐसे कई मुश्किलों से लड़ते हुए अल्ताफ ने ग्रेजुएशन पूरी की और फिर एक पार्ट टाइम नौकरी करते हुए यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। साल 2015 में यूपीएससी पास करके अल्ताफ ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की नौकरी तो हासिल कर ली, लेकिन उनका अफसर बनने का सपना अब भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए नौकरी करने के साथ साथ वे हर साल यूपीएससी की परीक्षा देते रहे। आखिरकार साल 2020 में अल्ताफ शेख ने यूपीएससी में 545वीं रैंक हासिल कर ली और आईपीएस अफसर बनकर ये साबित कर दिया कि हार तभी होती है जब मान लिया जाता है और जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। हार जीत की ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी को।